हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्काईलाइट एजुकेशन हब। तो जैसा कि आपको पता है, हम अपना कॉम्प्लेक्स नंबर का जो चैप्टर है उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। आज हम उसकी कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी आपकी, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। ओके, मीन्स कोई भी आपको कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है, मान लिया कि जेड, ये हमारी जनरल फॉर्मेशन होती है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की। जेड आपको कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है जहां पर ए और बी दोनों आपके रियल से बिलोंग करते हैं, बट अगर आयोटा लग जाता है बी के ऊपर तो ये हमारा इमेजिनरी पार्ट होता है। ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया है। ओके, अगर इसके कॉन्जुगेट की बात करते हैं, दैट मीन्स क्या होता है, कॉन्जुगेट का मतलब होता है बार। बार भी बोल सकते हैं, जेड बार भी बोल सकते हैं, जेड कॉन्जुगेट भी बोल सकते हैं। इसका मतलब होता है कि जो आपका इमेजिनरी पार्ट होता है, उसका आपको साइन कन्वर्ट करना होता है। क्लियर है? आपको रियल पार्ट को नहीं छेड़ना, सिर्फ जो इमेजिनरी पार्ट है उसका, जो भी सिंबल दिया हुआ है आपको क्वेश्चन में, उसका जस्ट रिवर्स कर देंगे। वो कॉन्जुगेट होता है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का। फॉर एग्जाम्पल, आपको दिया हुआ है 2+3 आयोटा। ओके, आपको इसका कॉन्जुगेट निकालना है। तो कॉन्जुगेट मीन्स मैंने बताया बार, आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो प्लस था यहां पर, तो जब मैं इसका बार निकालूंगी यानी कि कॉन्जुगेट करूंगी तो उसको मैं प्लस को क्या कर दूंगी, माइनस, दैट्स इट। अगर इस वाले को आपको रियल जो पार्ट है इसको नहीं छेड़ना है। सिमिलरली अगर आपको ये दिया हुआ, एक और एग्जांपल लिया है हमने, जेड आपको दिया हुआ है 4 आयोटा, तो हमें पता है कि हमें इमेजिनरी पार्ट जो है उसका सिंबल चेंज करना है। तो क्योंकि इसमें रियल पार्ट 0 है इसलिए इन्होंने नहीं लिखा उसको, तो जेड बार क्या हो जाएगा, -4 आयोटा। क्लियर? अब हम बात करते हैं इस कॉन्जुगेट की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में। अगर आपको कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है, ठीक है, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है जो सिर्फ, जिसका आपको सिर्फ रियल पार्ट दिया हुआ है, इमेजिनरी पार्ट उसका 0 है, फर्स्ट प्रॉपर्टी है, यानी कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका सिर्फ रियल पार्ट दिया हुआ है, अगर ये चीज है तो जेड का कॉन्जुगेट जो होता है जेड के बराबर होता है। कैसे, आइए देख लेते हैं। मान लिया कि जेड कोई ए दिया हुआ है, ए को आप क्या लिख सकते हो, a+0 आयोटा। तो Z बार क्या होगा, a-0 आयोटा। अब क्योंकि ये 0 ही है तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसको मैं सिंपली a लिख सकती हूँ। ठीक है, तो आगे आपका Z और Z बार दोनों क्या है, a के इक्वल है। जैसे कि एग्जांपल भी लिया है हमने, मान लिया कि Z की वैल्यू 3 है, क्योंकि रियल से बिलोंग कर रहा है इसलिए मैंने इसका इमेजिनरी पार्ट नहीं लिया है। तो 3 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 3+0 आयोटा। ओके, तो इसके बार की मैं बात करूंगी तो क्या हो जाएगा, 3 ओनली, जो कि हमारा किसके बराबर है, Z के ही बराबर है, जो हमने कॉम्प्लेक्स नंबर लिया था। क्लियर? सेकेंड प्रॉपर्टी है, अगर आपका कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है, ठीक है, कोई भी जेड है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है, तो जेड के कॉन्जुगेट का अगर आप कॉन्जुगेट करते हो तो वापस से आपको क्या मिलता है, जेड मिलता है। ओके, लाइक जेड आपको दिया हुआ है a+iB। ओके, जेड आपको क्या दिया हुआ है, a+iB। तो जेड बार की अगर आप बात करते हैं कॉन्जुगेट की, तो a-iB हो जाएगा। अब अगेन इसको आपको इसका कॉन्जुगेट करना है, तो हमें पता है कि जो इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन चेंज करना होता है। जब आप अगेन कॉन्जुगेट करेंगे तो माइनस किस में चेंज हो जाएगा, प्लस में, और यही आपके पास क्या था, जेड था। तो जेड के बार कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट क्या हो जाता है, वापस से जेड हो जाता है। एक जनरल एग्जाम्पल भी लिया है हमने, मान लिया कि जेड आपको 3-5 आयोटा दिया हुआ है, तो जेड कॉन्जुगेट करेंगे तो 3+5 आयोटा, अगेन इसका सिंबल चेंज होगा तो क्या हो जाएगा, ये 3-5 आयोटा। क्लियर है? नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, अगर आपको Z और Z कॉन्जुगेट को ऐड करना है, ओके, अगर आपको Z और Z कॉन्जुगेट को ऐड करना है तो क्या मिलता है, सिर्फ रियल पार्ट मिलता है, रियल पार्ट का ट्वाइस मिलता है आपको। फॉर एग्जाम्पल, हमने Z लिया 4+3 आयोटा, हमने इसका कॉन्जुगेट किया 4-3 आयोटा, तो Z प्लस Z बार इज इक्वल्स टू 4+3 आयोटा + 4-3 आयोटा हो जाएगा। दोनों को ऐड किया है क्योंकि हमने 3 आयोटा से 3 आयोटा कैंसिल हो जाएगा, आपके पास क्या बचेगा, सिर्फ 8 बचेगा। और 8 क्या है आपका, रियल पार्ट क्या है आपके पास, यहाँ पर 4, और 4 × 2 कितना होता है, 8, तो यही आपको 8 मिला है, तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ रियल पार्ट ऑफ z। क्लियर है? नेक्स्ट है इसका, अगर z में से आप z का कॉन्जुगेट को माइनस करते हो तो आपको इमेजिनरी पार्ट का ट्वाइस मिलता है, एडिशन पे रियल पार्ट का ट्वाइस और सब्ट्रैक्शन पे क्या, इमेजिनरी पार्ट का ट्वाइस मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने z को लिया है -2+4 आयोटा, तो कॉन्जुगेट की बात करेंगे, कॉन्जुगेट में हमने क्या बोला था कि सिर्फ इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज होगा, तो ये माइनस का माइनस ही रहेगा, -2-4 आयोटा। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे हम, -2+4 आयोटा माइनस ऑफ ये पूरी वैल्यूज हमने यहाँ पे लिख दी। अब माइनस को दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे, -, प्लस हो जाएगा,
तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और बचेगा 8 आयोटा। इमेजिनरी पार्ट आपके पास क्या है, 4, तो 4 आयोटा है। इसको आप लिख सकते हो 2 ऑफ इमेजिनरी ऑफ जेड, इमेजिनरी क्या है आपके पास 4 आयोटा, तो हो जाएगा 8 आयोटा। क्लियर है। इसी तरीके से जेड इंटू जेड का कॉन्जुगेट आपको हमेशा ही ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 मिलता है। ओके, कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं मिलती है आपको अगर आप कॉन्जुगेट को और उस कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं। तो 4 प्लस 2 आयोटा कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, 4 माइनस 2 आयोटा, दोनों की मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 4 4 जो 16, माइनस 8 आयोटा प्लस 8 आयोटा माइनस 2, 2 टू जा यहां पे आ जाएगा ये, सॉरी 2 टू जा 4 आ जाएगा ये, और यहां पर अगेन क्योंकि आयोटा स्क्वायर आपके पास माइनस 1 होता है तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, और ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास 20, वो भी फिर भी वैसे भी ग्रेटर देन 0 ही है वो। क्लियर है। तो ये था आपका कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट किसी तरीके से फाइंड आउट करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस कैसे फाइंड आउट करते हैं। कोई भी आपको कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है तो उसके मॉड्यूलस से क्या मतलब है, हमें पता है ये बात की जो मॉड्यूलस होता है उसका मतलब वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आती है। क्लियर है। तो आपको मान लिया आप कॉम्प्लेक्स नंबर में बात करते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर आपको दिया हुआ है ए प्लस आयोटा बी, तो मॉड्यूलस क्या होता है, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर होता है। कैसे, देखिए जेड आपको दिया हुआ है ए प्लस आयोटा बी, जेड कॉन्जुगेट आपको दिया हुआ है ए माइनस, तो जो मॉड्यूलस ऑफ जेड होता है वो होता है आपके पास इसका स्क्वेयर की अगर हम बात करते हैं, जेड की वैल्यू आपने रखी ए प्लस आयोटा बी, जेड बार की वैल्यू रखी ए माइनस आयोटा बी, दोनों की मल्टीप्लाई किया ए स्क्वेयर माइनस आयोटा स्क्वेयर बी स्क्वेयर, और ये प्लस माइनस की वैल्यू कैंसिल हो जाएगी। यहां पर हम ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर का फॉर्मुला भी अप्लाई करके डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो सिमिलरली यहां पर ये हो जाएगा बी स्क्वेयर, तो ये ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, तो मॉडुलस ऑफ जेड इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। तो यहां से आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। कुछ एग्जांपल से समझते हैं हम इसको। मान लिया कि जेड आपको दिया हुआ है माइनस 3 प्लस 5 आयोटा, जेड का कॉन्जुगेट क्या होगा, माइनस 3 माइनस 5 आयोटा, हमें पता है सिर्फ इमेजिनरी पार्ट का ही साइन चेंज होता है। तो जेड इंटू जेड बार अगर हम करते हैं माइनस 3 प्लस 5 आयोटा माइनस 3 माइनस 5 आयोटा, इसका स्क्वेयर, इसका मतलब क्या होता है, मॉडुलस ऑफ जेड का स्क्वेयर, इनको मल्टीप्लाई करेंगे 3 3 जा 9 माइनस 15 आयोटा प्लस 15 आयोटा माइनस माइनस 25 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस हो गया, 5 5 जे 25 और आयोटा का स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर हमें पता है माइनस 1 होता है, 9 ये कैंसिल आउट हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर माइनस 1 है तो माइनस 25 माइनस 1 कितना हो जाएगा प्लस 25, तो वैल्यू क्या आएगी आपके पास 34। और जब इसका ये हटाएंगे आप मॉडुलस ऑफ जेड की बात करेंगे, ये मॉडुलस ऑफ जेड का स्क्वायर आया है, अगर यहां से मॉड ऑफ जेड की बात करेंगे तो क्या आ जाएगा अंडर रूट 34। सिमिलरली अब ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर फाइंड आउट करेंगे अगर, तो ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे माइनस 3 का स्क्वेयर, बी की वैल्यू क्या है 5 का स्क्वेयर, तो ये हो जाएगा 9 प्लस ये भी रूट 34 के। तो हमने यहां से क्या कॉन्क्लूड किया कि मॉडुलस ऑफ जेड किसके बराबर होता है, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर के। क्लियर है। अब मॉडुलस की भी दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, सबसे पहली है इसको हम बोलते हैं ट्रायंगल इनइक्वालिटी। ओके, ट्रायंगल इनइक्वालिटी क्या होती है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर आपको दिए हुए हैं, अगर उनकी एडिशन करने के बाद उसका मॉडुलस फाइंड आउट करते हैं तो वो हमेशा ही कम आता है इंडिविजुअल मॉडुलस की एडिशन से। क्लियर है। कैसे, देखिए जेड वन 1 प्लस आयोटा दिया हुआ है, जेड टू 2 प्लस आयोटा दिया हुआ है, दोनों की एडिशन करेंगे तो 1 प्लस 2 कितना हो गया 3 आयोटा, और आयोटा प्लस आयोटा कितना हो गया 2 आयोटा, तो दोनों का मॉडुलस क्या होता है ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, ए क्या है अब आपके पास 3 और बी क्या है 2, तो ए स्क्वेयर प्लस 2 स्क्वेयर क्या हो जाएगा अंडर रूट 13। ओके, मॉडुलस ऑफ जेड वन की अगर हम बात करेंगे तो क्या था आपके पास 1 प्लस आयोटा, तो 1 प्लस आयोटा मतलब 1 का स्क्वेयर प्लस 1 का स्क्वेयर क्या हो जाएगा रूट 2, Z2 का मॉड अगर बात करेंगे 2 टू 4 प्लस 1 कितना हो जाएगा रूट 5, अंडर रूट 13 की जो वैल्यू होती है आपके पास 3.60 होती है, आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ये मैंने वैसे तो पता है सीधा कि रूट 2 प्लस रूट 7 की अगर एडिशन करते हैं तो सीधा इससे कम ही आएगा, ये वैल्यू वो वैल्यू इससे ज्यादा ही आएगी, बट फिर भी मैंने फाइंड आउट कर लिया है इसको, रूट 13 की वैल्यू होती है 3.60 समथिंग। ओके, तो ये इसका मॉडुलस है। अगर हम दोनों की रूट 5 प्लस रूट 5 की वैल्यू क्या होती है 1.41, रूट 2 की वैल्यू होती है 1.41, रूट 5 की होती है 2.23, दोनों की एडिशन की तो 3.64, तो क्लियरली आप देख सकते हैं कि 3.60 इज लेस देन 3.64। ओके, तो यहां से आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि z1 प्लस z2 का स्क्वायर प्लस z2 z1 माइनस z2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 ऑफ इंडिविजुअल z1 का स्क्वायर प्लस z2,
इसको भी हम एक एग्जांपल से समझते हैं कि जेड वन आपको दिया हुआ है 3 + 4 i और जेड टू आपको दिया हुआ है 2 - i। तो दोनों की एडिशन कर देते हैं पहले, तो ये हो जाएगा 2 + 3 5, 4 - 1 3 हो जाएगा। इसके मॉड्यूलस की बात करते हैं तो हमें पता है a² + b² होता है, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, तो √34 हो जाएगा। अब हम इसके स्क्वायर की जब हम बात करेंगे तो ये स्क्वायर हो जाएगा 34 हो जाएगा। सिमिलरली z1 - z2 की बात करते हो तो 3 - 2 1 हो गया और 4 + 1 कितना हो गया, 5 i आ गया। अब इसके मॉड्यूलस की बात करते हैं तो ये वैल्यू होगी। तो क्लियरली आपको सारी चीजें दी हुई है यहाँ पे, तो z1 z2 का स्क्वायर, अब मॉडुलस का स्क्वायर करेंगे तो ये √26 हो जाएगा। ओके, अब हमें क्या पता है कि इन दोनों की जब हम एडिशन करते हैं तो 34 प्लस ये कितनी वैल्यू आ गई, 60 आ गई। अब इंडिविजुअल z1 का स्क्वायर निकालेंगे, z1 का रूट मॉडुलस क्या होगा, 25, 3 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर, 9 + 16, 25 का स्क्वायर। z2 क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर + -1 का स्क्वायर, 4 + 1 क्या हो जाएगा, √5 का स्क्वायर। तो 2 × मॉड ऑफ z1 का स्क्वायर + z2 की स्क्वायर की, 2 × z1 का स्क्वायर क्या है, 25, z2 का स्क्वायर क्या है, 5, तो कितना हो गया, 30। तो 2 × 30 कितना हो गया, 60। तो यही बात आपको प्रूफ करनी थी यहाँ पर कि z1 + z2 का स्क्वायर + z1 - z2 का स्क्वायर इक्वल होता है ट्वाइस ऑफ z1 का स्क्वायर मॉडुलस + z2 के मॉडुलस का स्क्वायर। ये बात थी, क्लियर है? तो यहां से आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो ये था आपका किस तरीके से हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस और कॉन्जुगेट को फाइंड आउट करते हैं। उसके बेस पे हमने कुछ एक्सरसाइज भी के क्वेश्चंस भी किए हैं। तो आई होप आपको क्वेश्चन सारे क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच।